रितु जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मेरी लाइफ में कब इतना रोमांटिक सीन आएगा? काश मुझे भी कभी ये हैंडसम डॉक्टर जॉन का फोन आया होता। आ गया। हेलो हेलो रितु, सुना है ना, तू तो पंच करने जाने वाली थी ना तेरी फैमिली के साथ कजिन की शादी में, पहुंच गई क्या? रितु वो सब छोड़, मैंने पता है कल रात को तुझे लेकर एक सपना देखा, इसलिए मैंने तेरे को फोन किया। स्केरी ड्रीम देखा कि रोमांटिक ड्रीम देखा कि हैप्पी ड्रीम देखा? वो मुझे नहीं पता, पर ड्रीम में एक बात क्लियर थी, तू किसी को भी पैसे मत देना, ना 1,000 ना 1 रुपया। मतलब? मतलब कि तू जिस किसी को भी पैसे देगी ना उसके साथ तेरा बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। पैसे पे झगड़ा? पर क्या देखा तूने? मैंने देखा ना कि हेलो बोल ना रितु, इतना लंबा पॉज क्यों दे रही है? हेलो सुना ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। भारी वर्षा की वजह से आपका फोन डेड हो गया है, कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। क्या बोलने वाली थी वो, स्कूल जाने से पहले उसके घर जाकर पूछती हूँ कहीं वो निकल ना जाए। गई सुनैना, और मैं कैसे पूछूंगी, उसके पास तो मोबाइल भी नहीं है। रितु व्हाट्सअप, अरे सुनैना घर पे नहीं है क्या? लॉक नहीं दिखता है तेरे को? ओके, अरे स्कूल जा रही हो क्या? यूनिफॉर्म भी नहीं दिखता है तेरे को? हाँ अरे चल यार, लिफ्ट चाहिए क्या? वॉकिंग चलते ना। सुहेल और सुनैना ने पता है अपने ड्रीम में? अरे यार प्लीज यार, तू फिर से शुरू मत हो जाए सुनैना के ड्रीम के साथ। एक तो वो यहाँ पे नहीं है तो एक रिलीफ है यार, 2 दिन के लिए हमें सुनैना के ड्रीम से छुट्टी। अरे पर सुनना, अरे वो सब छोड़, देख एक इम्पोर्टेंट बात है, मुझे 200 रुपए दे। 200 रुपए? हाँ, अरे एक नोबल कॉज के लिए चाहिए, निकालना। ये तू आज तू जिसे भी पैसा देगी ना उससे तेरा बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। नहीं मैं नहीं दे सकती। अच्छा मत दे, मैं निकाल लेता हूँ। नहीं मैं आज नहीं दूंगी ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे क्यों, बोला ना नोबल कॉज के लिए। अरे नीना का आज, देख मैं आज नहीं दे सकती, प्लीज समझा कर सोहेल, मैं आज तो बिल्कुल नहीं दे सकती। अरे हेलो मक्खी चूस, मैं सोचता था मैं अकेला ही हूँ। अभी सुनैना ने तुझसे कहा कि किसी को पैसे मत दे और तू फिर उसकी ड्रीम में आ गई। तो व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अरे पर कुछ तो देखा होगा उसने, लेकिन उसके बताने से पहले फोन डेड हो गया। रिलैक्स सुनैना, अपनी कजिन की शादी एंजॉय कर रही है वहाँ पे और तू यहाँ उसकी ड्रीम का टेंशन ले रही है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Nina, happy birthday to you. How sweet! तो actually मेरा birthday आया था। Nina, तेरा birthday? लेकिन वो तो January में होता है ना? एक्चुअली हाँ, हमारे साउथ में ना 2 बर्थडेज होते, एक इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से और एक साउथ इंडियन कैलेंडर के हिसाब से। एनीवेज सोहेल, इट वाज सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। आई विल हेल्प। वाओ, शाहरुख खान की बायोग्राफी, वाओ, इट लुक्स एक्सपेंसिव। या पूरे 200 रुपए की है। व्हाट, 200? नकली है क्या? होल्ड ऑन, ये तो सेकेंड हैंड लगती है। आधी बुक किधर है? एक्चुअली ना रद्दी वाले से ना फुल एंड फाइनल डील हुई थी, पुरानी एडिशन 400 रुपए में। तुम नीना को रद्दी वाले की दुकान से खरीद कर गिफ्ट दे रहे हो? एटलीस्ट गिफ्ट तो दे रहा हूँ, तेरी तरह नहीं। नीना सुनैना तो है नहीं यहाँ पे, तो मैंने सोचा मैं और रितु पैसे स्प्लिट करके तुझे गिफ्ट दे देंगे, 200 रुपए ये और 200 रुपए मैं। लेकिन इस कंजूस ने तेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। रितु हाउ कुड यू, मेरा बर्थडे साल में सिर्फ 2 बार आता है। नीना आई स्वेयर
पता है मुझे तो इसलिए रद्दी वाले ने मुझे आधे पैसे के लिए आधी बुक दी और बाकी आधी किसी और को। आधी बुक ना अपने पास में रख लो। पर मेरा नहीं, इसका फॉल्ट है यार। लेकिन नीना सुहेल, ये सब ना सिनेना के ड्रीम की वजह से हुआ। उस बेचारी का नाम मत ले, ओके? वो तो यहाँ पे है भी नहीं। कंजूस, मैं तेरे बर्थडे पे इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आई थी। सोहे चलो कैंटीन में तुझे मेरा अपना बर्थडे ट्रीट दी थी और सिर्फ तुझे ट्रीट दूंगी मैं। यो, अब मैं घर के लिए भी कुछ पैक करवा लूं। हाँ। बाय मिस कंजूस। लेकिन नीना, कंजूस मक्खी चूस, कंजूस मक्खी चूस, कंजूस मक्खी चूस। ये तो बिना पैसे दिए ही लड़ाई हो गई। लेकिन अगर पैसे दिए होते तो कितनी बड़ी लड़ाई होती ना। थैंक गॉड, काश ये लोग समझ पाते। ओ नीना, रितु, रितु रुक। क्या है? मुझे तुझसे थोड़े पैसे चाहिए। पैसे? ओनली 5 रुपीज। स्वागतिका को पैसे दूंगी तो उसके साथ लड़ाई हो जाएगी, जो है तो बुरी बात। पर तो उसका करेगी क्या? मेरे लिए नहीं है, मिस मार्पे करके घर एक नई किचन आई है, तो हम सब मिलके उसके लिए क्यूट सा बास्केट खरीद रहे हैं, उसी की कंट्रीब्यूशन है। मिस मार्पे कर, तो क्यूट ले। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये पैसे तुझे तेरे लिए नहीं, मिसेज मार्पेकर के लिए चाहिए। नो वे। मिसेज मार्पेकर नहीं, मिस मार्पेकर। दे। रितु, आज तू जिससे भी पैसा देगी ना उससे तेरा बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। मतलब अगर मेरे पैसे मिस मार्पेकर को पहुँचे तो उनकी और मेरी लड़ाई हो जाएगी, जहाँ पर हार मेरी ही होगी। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं। Shame on you, Ritu. Call your parents. Okay? अरे कॉइन छोड़ना। नहीं नहीं, मैं मिस मार्पेकर से पंगा नहीं ले सकती। नहीं 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 नहीं, क्या हो गया तुझे? इतनी स्वीट टीचर की स्वीट किचन के लिए 5 रुपए नहीं दे सकती? नो प्लीज, मैं नहीं दे सकती। मैं नहीं दे सकती। शेमलेस कंजूस। स्वागतिका प्लीज, मिस मार्पेकर को मत बताना कि मैंने उनके लिए पैसे नहीं दिए। सुने ना, तूने मुझे किस प्रॉब्लम में फंसा दिया। कॉइन, कैन आई हैव दैट प्लीज? जी। आई नो थोड़ा एम्बेरसिंग होगा तुम्हारे लिए, पर क्या है कि आज मेरी वो खराब हो गई। क्या? घड़ी? नहीं नहीं, घड़ी नहीं, गाड़ी। गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए मैं रिक्शा से आया हूँ। वो 5 रुपए का चेंज नहीं था तो मैं किसी से बोरो करने वाला था, पर अब। रितु, प्रिंसिपल को उधारी मतलब प्रिंसिपल से पंगा? मत देना, मत दे, मत दे। एक्चुअली सर, मैं ये कॉइन आपको नहीं दे सकती। नहीं, मैं इसे वापस कर दूंगा। यू कैन ट्रस्ट मी, आफ्टर ऑल मैं वो हूँ। ऑनेस्ट? प्रिंसिपल हूँ यहाँ का मैं। लेकिन सॉरी सर, ये मेरे टिफिन का है। ऑलराइट, ठीक है, लेकिन जिंदगी में हमेशा हमें दूसरों की वो करनी चाहिए। वो? मदद। स्वागतिका। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, कैन आई प्लीज हैव अ 5 रुपी कॉइन फ्रॉम यू? ओह श्योर सर। थैंक यू। नीना, वो नीना, सोहेल तू तो सुन, सोहेल। ओह गॉड, आज सबको मुझसे पैसे चाहिए। ये स्कूल कब खत्म होगा? सब मुझे पैसे चाहिए। उधार उधार चलेगा। अरे मेरे पास बहुत सारे पैसे, एक डिस्का तो चले गए।